जिम्मेदार सीधे तौर पर बाबा है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, आयोजन करता है, लेकिन अभी तक उस तरह की कार्रवाई हुई नहीं है राजीव जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर मैं आ चुकी हूं और मैं चाहूंगी पवन हमारे कैमरामैन आपको लेकर अंदर की तरफ आए। आपको बताते चले कि यही वो जगह है जहां पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा था, 2 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जबकि परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की ही ली गई थी। और यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा पंडाल सजा हुआ था और भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। आज सुबह सुबह बारिश हुई है इसलिए चारों तरफ आप देखेंगे यहां पर पानी भरा हुआ है। हालांकि कल इस तरह के हालात नहीं थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी जब दोपहर को इस आयोजन को अंजाम दिया जा रहा था। थोड़ा अंदर की तरफ हम चलेंगे, इस समय चारों तरफ यहाँ कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ एक बड़ी सी होर्डिंग आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, और इसकी ओर से ये आयोजन किया गया था। पवन अगर आप धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ पाए, यहाँ पर बहुत कीचड़ है, हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, या आप वहीं पर रहें, यहाँ से हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर पंडाल सजा हुआ था, पूरा का पूरा ये बड़ा इलाका है जहाँ भारी तादाद में लोग आए हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी होने के बावजूद आखिर पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर अगर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी तो फिर खुद से इनिशिएटिव लेकर अगर परमिशन दी गई थी तो यहाँ पर आकर बंदोबस्त और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाए गए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार जवाबदेह आखिर कौन है, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए हाथरस बार बार, इसके पहले हम सब ने देखा था भूलगढ़ी की जो घटना हुई थी, किस तरह से उस समय हाथरस का नाम सामने आया था। हाथरस अब इस वजह से भी बदनाम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो लगा दिया जाता है लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। थोड़ा आसपास की तस्वीरें दिखाइए पवन, यहाँ पर देखिए किस तरह से कई लोग जो आयोजन करता है उनके नाम भी मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने होर्डिंग्स में बोर्ड तो लगा देते हो, उसमें नाम अपना चमका लेते हो, लेकिन जब यहाँ पर बारी इस बात की आती है कि उन लोगों को आप पूरी व्यवस्था दो जिनको आप बुला रहे हो, लेकिन उस दौरान फिर सारे आयोजनकर्ता, देखिए मैं पढ़ देती हूँ सबका नाम, देव प्रकाश मधुकर है इंजीनियर प्रभारी बताया जा रहा है, महेश चंद्र उसका भी नाम लिखा हुआ है, अनार सिंह प्रधानाध्यापक लिखे हुए हैं, संजीव यादव का नाम लिखा हुआ है, चंद्रदेव का नाम लिखा हुआ है, राम प्रकाश का नाम लिखा हुआ है, ये लोग आयोजनकर्ताओं में है जो नीचे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति तहसील सिकंदराव जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं के नाम निम्नबद्ध है। अब इतने आयोजनकर्ताओं के नाम 3-3-6 मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, ये बड़ा सवाल लिखा हुआ है। देखिए मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा, इसका पाठ पढ़ाने वाले जब यहाँ पर लोगों की जान पर आफत बनाती है उस समय फिर ये बाबा गायब हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग है, कोई चश्मदीद है जो यहाँ पर कल था, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग गाँव के ही मौजूद थे, आप लोग थे कल जब यहाँ पर आयोजन हो रहा था, आप लोग नहीं थे, क्या सुना था आप लोगों ने, आप केवल देखने आए हैं अभी सुबह सुबह यहाँ पर देख रहे हैं, कोई था यहाँ पर कल आप लोगों में, कोई नहीं था, ये लोग अभी सुबह सुबह यहाँ पर देखने के लिए आए हैं राजीव, लेकिन इधर आ जाइए क्या देखा था आपने, क्या देखा? यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे। हाँ। पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें। हाँ। क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजनकर्ता कौन कौन था यहाँ का, कौन? हाँ मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ, बस वहाँ पे भी लिस्ट लगी हुई है बहुत सारी लंबी, वहाँ पे वहाँ पे सारी लिस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई पुख्ता? बहुत ढिलाई थी, इतनी नहीं थी पुलिस प्रशासन जितना चाहिए यहाँ। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरीके से इतनी भीड़ थी उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था, और जो थे उनके सेवादार थे, जो भी थे सेवादार थे, लोगों की मृत्यु के बाद वीडियो बनाना चाहा लोगों ने। तो आप लेकर चलेंगे मुझे उस जगह पर, कहां पर ये भगदड़ मची कहा जा रहा है कि मिट्टी, थोड़ा लेकर चलिए, आइए आइए जरा लेकर चलिए मुझे उस जगह पर जहां पर ये भगदड़ मची थी और उसके बाद एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये यहाँ से होते हुए आपको बताते चले पूरा का पूरा खचाखच ये इलाका भरा हुआ था और ये यहाँ की चिकनी मिट्टी है, पानी के बाद यहाँ पे पैर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, कहाँ पर हुई थी भगदड़ आप बताइए जरा? यहीं से शुरू हो गई थी भगदड़, लेकिन पानी पीने के लिए बताया गया कि पानी पीने के लिए लोग आगे की तरफ बढ़े थे, उसके बाद यह साइड जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना, तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर रज बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना,
प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से। हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने। बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए, धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया और एक के ऊपर एक इस तरीके से। दोपहर में मौसम कैसा था यहाँ पर? मौसम सेम था, यही मौसम था। बारिश हुई थी क्या? जैसे अभी पानी नहीं, अभी ये नाइट में बारिश हुई है, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं थी, धूप नहीं निकली, बिल्कुल धूप नहीं निकली, लेकिन अब बारिश में नहीं। बारिश तो आज रात हुई है, बारिश आज रात हुई है। जरा दिखाइए, आइए मेरे साथ, आप लोग थे क्या कल यहाँ पर, बताइए क्या हुआ था, क्या हुआ था और अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग तो ये चाहते हैं ये लोग मरे, हम चाहते बाबा की गिरफ्तारी हो। ऐसे बाबाओं के लिए सरकार सुनिश्चित जगह नहीं देनी चाहिए, बोला जाना चाहिए कि अपने अपने घरों पर आस्था रखे। ऐसी जगह देंगे तो पता नहीं पब्लिक कितनी मारी जाएगी। यहाँ तो कल 150-200 आदमी मारे गए, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए बेचारे, यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए थे। आप थे क्या यहाँ पर? कौन कौन यहाँ पर था? जरा आगे लेकर चलिए, आपको बताते चले। वो जो दूसरा पंडाल आप देख रहे हैं, पवन आप दिखाइए वहाँ से होते हुए, देखिए मुख्य पंडाल यहाँ पर था, मुख्य पंडाल यहाँ पर था, और यहाँ से जब बाबा की गाड़ी गुजरती है तो वो फिर आगे की ओर बढ़ती हुई, नीचे पवन देखकर बहुत पानी है, वहाँ से ये जो आप देख रहे हैं खड़ंजा सामने की तरफ और जो पंडाल वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से बाबा की गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। और बाबा ने ये कहा था कि जाते वक्त मेरी चरण रज धूल लेकर जाना, और धूल लेकर जाने के चक्कर में उन्होंने ये भी कहा था कि जो बीमार होगा, परेशान होगा, वो अपने माथे पर लगा लेगा, उससे उसकी परेशानी का समाधान हो जाएगा। जिसके बाद जो भोली भाली गरीब जनता है वो उनके पीछे दौड़ पड़ी, और उसके बाद फिर भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद इस तरह के हालात राजीव पैदा हो जाते हैं। बाबा अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का सवाल है। सिकंदरा राव फुलरई गांव में इस वक्त हम आ चुके हैं, जो कि हाथरस से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और ये वो जगह है जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। आपको घटनास्थल की तरफ लेकर चलेंगे, आपको बता दें यही वो बाबा है जिसका ये विशाल पंडाल यहाँ पर सजा हुआ था। यहीं से देखिए किस तरह से यहाँ पर ईंट का खड़ंजा बिछाया गया था, जहां से होते हुए बाबा की गाड़ी आगे की ओर बढ़ी थी, और दूसरी जगह थी जहां पर आम लोगों के भीतर जाने की व्यवस्था थी। यहां पर आप देखेंगे कल के बाद हालात किस तरह से हुए हैं, खड़ंजे के बाद जब लोग यहां पर एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए, तो आप देखिए यहां पर जो ईंट है उसका क्या हाल हुआ है, और यही वो है जहां पर भगदड़ मची और फिर लोग एक दूसरे के ऊपर ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए चले गए। अंदर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, देखिए ऊपर कितना भव्य पंडाल यहां पर सजाकर रखा हुआ है, और यहां पर कुछ लोगों के चप्पल जूते बिखरे हुए दिखाई दे जाएंगे। यहां देखिए जो लोग गिरे थे, 100 से ज्यादा लोग जिनकी जान गई है, कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चप्पल, ये छोटे से बच्चे का आप देखिए, ये छोटे से बच्चे का गुलाबी रंग का, ऐसा लग रहा है किसी बच्ची का जूता है जो यहां पर भगदड़ के दौरान गिर गया, और वो बच्ची सुरक्षित है भी या नहीं है इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। थोड़ा और अंदर की तरफ चलेंगे, आपको बताते चले कि अभी इस पंडाल को हटाने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो भव्य पंडाल, बड़ा पंडाल है जहां पर लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा हो गया था और वहां पर इंतजाम नाकाफी थे। ये आप देखेंगे, ये भी एक छोटे से बच्चे का जूता ही लग रहा है, क्योंकि यहां पर बारिश हुई है इस वजह से। आपको बताते चले कि अभी इस तरह के हालात हैं, ये भी किसी छोटे से बच्चे का जूता ही लग रहा है। दूसरी तरफ अंदर की तरफ और अगर हम आएंगे तो यहां पर कल लाशों का अंबार बिछा हुआ था। यहां देखिए लोग जो अपने घर से पूरी सब्जी लेकर आए होंगे, उनका खाना भी किस तरह से इस भगदड़ की भीड़ चढ़ गया, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए, और फिर यहां पर लोगों की जान जाती रही और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। यहां पर तमाम जूते चप्पल कपड़े आपको दिखाई दे जाएंगे, और अभी फिलहाल पंडाल को हटाने का काम चल रहा है, यहां पर साफ सफाई भी की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं चाहूंगी कि जरा हमारे कैमरामैन पवन आप दिखाइए उस पंडाल की तस्वीरें भी दिखाइए जिसको हटाने का काम चल रहा है। आपको बताते चले कि सत्संग हुआ, उसके बाद भगदड़ मची, जिनमें अब तक 116 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। ये फुलरई गांव है, मंगलवार दोपहर 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ, और उसके बाद हालात यहां पर भयावह होते हुए चले गए। हादसे के बाद बाबा अंडरग्राउंड है, आपको बताते चले कि मैनपुरी में बाबा के आश्रम भी पुलिस पहुंची, लेकिन वहां पर भी बाबा नहीं मिला है। कई आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक बाबा को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, बाबा के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है। यही बड़ा सवाल है कि जब आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके भरोसे यहां पर आ जाते हैं, तो समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? बाबा से सवाल है,
सवाल पुलिस प्रशासन से है, आपने अनुमति दी, अनुमति के बगैर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है और इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए ही, क्योंकि 100 से ज्यादा मौतों का ये सवाल है और इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। बाबा के खिलाफ FIR नहीं हुई है, लेकिन बाबा सीधे तौर पर जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि बाबा जब मन से ये कहता है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझसे बातचीत के दौरान बताया कि बाबा ने मन से ये कहा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो वो मेरी चरण रज यानी कि पैर की धूल लेकर जाए और फिर उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। इतना सुनते ही लोग बाबा के पीछे, जब बाबा यहां से निकलता है, लोग बाबा के पीछे दौड़ पड़ते हैं और फिर एक के बाद एक गिरते हुए चले जाते हैं। इस पूरे के पूरे इलाके को पवन आप दिखाइए, यहां पर देखिए, ये वो जगह थी जहां से बाबा की गाड़ी जा रही थी और यकीनन अगर छोटी सी जगह से बाबा की गाड़ी जाएगी, दूर से लोग देख नहीं रहे थे, वो चाह रहे थे कि बाबा के चरण की धूल हमें मिल जाए। और अगर इस तरह का माहौल बनाकर रखा जाएगा कि अगर आप परेशान हैं और मेरे पैर की धूल से आपकी परेशानी का समाधान हो सकता है, जरा सोचिए गरीब सीधे साधे भोले लोगों के साथ किस तरह का छल और किस तरह का मजाक किया जा रहा है। हालांकि बाबा कई सालों से इस तरह के सत्संग का आयोजन कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप इतने बड़े सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करते हो तो फिर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उस तरह के व्यापक इंतजाम क्यों नहीं होते? यहां पर आयोजकों के नाम भी लिखे गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनमें बाकायदा आयोजकों के नाम लिखे गए हैं, कई के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का नहीं होना यह भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचेंगे, जिम्मेदारी जवाबदेही कब तय की जाएगी उनकी ओर से, यह बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन दोबारा इस तरह के हादसे नहीं हो और जो आयोजक हैं और जो बाबा है अगर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक इंसाफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों ने एक सत्संग के आयोजन के दौरान अपनी जान गंवा दी और जहां पर सत्संग हो रहा था वो शमशान में तब्दील होता हुआ चला गया।